नमस्ते, मैं अभिषेक इस समय हूँ घोसी में, जहाँ पर उपचुनाव की जंग चल रही है। बगल में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, वहीं पर हम लोग इस समय कवरेज के लिए पहुँचे हैं। इसी दौरान हम लोगों की नज़र पड़ी एक प्राथमिक विद्यालय पर, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय धरौली है, और यहाँ पर हम लोग जब ठहरे तो नज़रें क्यों ठहर गई। आप शुरू में देखे होंगे कि आई लव एजुकेशन, यानी कि जहाँ पर तमाम मुद्दों की बात हो रही है, उसी के बगल में शिक्षा का एक सुंदर मंदिर देखने को मिला। तो इसी शिक्षा के मंदिर में जब हम लोग अंदर गए तो एक शानदार दृश्य देखने को मिला। तो हमने सोचा कि इस दृश्य को कैमरे में कैद करके आप लोगों के सामने भी रखा जाए और दिखाया जाए कि किस तरह से धरौली उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के सक्रियता है। तो हमारे साथ सर मिल गए, सर को पहले बधाई हो, क्योंकि सर से बातचीत में पता चला कि आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो यानी कि एक टीचर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और ये सर उस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि पूरे भी विद्यालय को आप लोग देखेंगे, और विद्यालय देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि आपको क्यों जो उत्तर प्रदेश शिक्षक सम्मान मिला। आप लोगों ने बाहरी दीवार पर जो आवरण देखे, जो पेंटिंग देखी, जो डिजाइनें देखी, उससे आप लोगों को आभास हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर चलेंगे सब कुछ देखेंगे, विद्यालय का स्वरूप देखेंगे। तो सर आप हम लोगों को विद्यालय दिखाइए और अपना परिचय पहले बताइए। मैं डॉक्टर रामलाल भारती हूँ, और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली है, और मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ जी। विद्यालय काफी शानदार है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और पहले तो आपने प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे बीच आए, निश्चित रूप से अच्छी चीज़ों का प्रोत्साहन होते रहना चाहिए। और ये मेरा विद्यालय है, और अभी जो राज्य शिक्षक सम्मान जो हमारा जो चयन हुआ है, इसके लिए तो मैं पूरे प्रदेश को, शासन को और सारे अधिकारी गणों को, शिक्षकों को मैं बधाई दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। निश्चित रूप से इससे जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। ये हमारे क्लासेस हैं, ये क्लास सिक्स है, अभी मैं आपको क्लास वो कर सकते हैं। ये हमारा क्लास सिक्स है सर, सिट डाउन। ये हमारा क्लास सिक्स है सर, 170 बच्चे हैं, नामांकन है, किंतु अभी भी हम मात्र दो शिक्षक हैं। दो शिक्षक में हम इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना बढ़िया हो सकता है। मैं शिक्षक जो गुणवत्ता है उसको हम बेहतर, ये हमारे टाइम टेबल है, इसके आधार पर दो शिक्षकों को हमने वो किया हुआ है। ये हमारा जो है क्लास सेवेंथ है सर, हम ही दो टीचर यहाँ हैं, कमलेश राय जी हैं। ये हमारा क्लास सेवेंथ है, अब देखेंगे इसको हमने अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की, सारी जो भी सुविधाएं और जितने भी सारी चीज़ें हो सकता है एक बेहतर एकेडमिक संस्थान के लिए, तो मैंने कोशिश किया। ये हमारी छोटी सी ऑफिस है, जहाँ से हम एकेडमिक सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं और ये सब बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ से सारी की सारी चीज़ें एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षण में जितना भी विशेष योगदान हो सकता है उसके लिए हमने कोशिश किया है। ये हमारे सूचना पट हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम से जो भी होता है हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, और जिससे कि एक प्रोत्साहन के तौर पे उन स्मृतियों को हम बार बार याद करके और भी काम करने के प्रति हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। ये हमारा क्लास है 8th है, और सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। ये हमारी क्लास 8th क्लासेज है सर, हमने क्लास को जितना भी हो सकता है बेहतर बनाने की कोशिश किया, स्मार्ट क्लास से लगाए सारी चीज़ों को लेकर के। ये हमारा छोटा सा ये एक वो था एकेडमिक, इसके बाद हमने पर्यावरण को लेकर के मैं जागरूक रहा। सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय का जो जितने सुंदर क्लासरूम है उससे और ही जो दो गुना तीन गुना बेहतर इनका जो कैंपस है, कैंपस पूरी तरीके से हरी भरी है, और पूरा नीचे चमकती हुई टाइल्स है, और वहाँ पर सामने जो शानदार घास भी है। जी जी, बहुत सहयोग रहा यहाँ के लोगों का, हम लोगों का भी, और व्यक्तिगत निश्चित रूप से धन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा और चमक पाया है। ये हमारे कैंपस है जी जी, और ये हमारा ये देख सकते हैं। तो इतना शानदार कैंपस बनाने का आइडिया कैसे आया, कैसे हो पाया? एक तो सर ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात जैसे सर पहली बात कि ये सरकारी तंत्र है, और मैं जो पढ़ पाया और देख पाया कि सरकारी तंत्र ही इस देश की वास्तविक मजबूती है। अगर हमने सरकारी तंत्रों को मजबूत किया तो देश को मजबूत किया, आम जनता का फायदा किया, वंचित समाज का, जो भी बहुसंख्यक समाज है जो वंचित है उसके लिए हम सरकारी तंत्रों की मजबूती कर सकते हैं। इसमें गरीब बच्चे आते हैं, मुझे लगा कि इनको बेहतर
करना चाहिए। देख लीजिए एमडीएम बन रहा है तो उधर एमडीएम है, ये रसोई घर है हमारा, ये मल्टीपल हैंड वॉश है और हमने इस तरीके का है हमारा, ये देख सकते हैं, ये हमारा किचन, आप देखिए आपको घर जैसा मैंने बनाने की से कोशिश किया है इस प्रकार से, ताकि बच्चों को भी लगे और गार्जियंस और सफाई का मैंने कोशिश किया ध्यान रखा जाए। तो ये हमारा किचन रहा है, सोयाबीन आज का जो मेनू है। अच्छा, मतलब साफ सफाई बरती है लोग, कायदे बनता है जी। हाँ, हमारे सब खाना है, हमारे सब काम करे वाला। हाँ, सुबह 7 बजे से जाकर कितना टाइम ले हम लोग करते हैं काम। हाँ, हाँ। मास्टर साहब कैसा स्कूल बना दिले हूँ सर जी, हम लोग का इतना अच्छा है कि हम लोग का स्कूल एकदम चमक रहा है। ऐसा स्कूल कहीं दिखे ला? नहीं देखे नहीं हम लोग। हाँ। हम लोग बनाए है और करते भी है यहाँ पर। हाँ। हाँ। आप लोग के बगैर सहयोग का तो हो नहीं पाएगा, सहयोग अच्छा रहता है आप लोगों का। हाँ अच्छा। हाँ, तो अच्छा पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ अच्छी से पढ़ाई होती है। हाँ। हम लोग को बच्चों भी कहीं नहीं जाते हैं। हाँ हाँ, तो देखिए जाहिर सी बात है जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो गरीब के बच्चे हैं वही पढ़ने आते हैं, जो इस समय प्रचलन चल गया है। उसके बाद ये हमारा गणित और साइंस का हमारा लैब है। हाँ हाँ। और मैं इसी स्तर से 6-7-8 के स्तर से ही मैं इसे बेहतर जितना भी हो सकता है मैं प्रयोग से लगाए सारी चीजें मैं बच्चों को दे पा रहा हूँ। हाँ। जो कि आप इस लेवल पे भी आप देख सकते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा अनुभव इन बच्चों को अभी से हो जाए एक बेहतर शिक्षा के प्रति। तो आप देखेंगे तो ये देखिए कि जो विज्ञान प्रयोगशाला है, मतलब ये कि कक्षा 8-7 के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, उसके बावजूद इसको व्यवस्थित तरीके से पूरा लगाया गया है। और देखेंगे तो चारों तरफ टेबल हैं और तमाम चीज़ें हैं कि ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से और सरल तरीके से उन वो जो साइंस की एक एक बारीकियां हैं जो उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं, जो उनका पाठ्यक्रम है उनको सिखाया जा सके। तो ऐसे छोटे से विद्यालय में इस तरह के प्रयोगशाला, इस तरह की पेंटिंग्स, इस तरह की बनावट, इतनी सफाई देखना मुमकिन है। ऐसे मतलब कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं या कोई बड़े जो जिले के बड़े विद्यालय होते हैं जो कॉन्वेंट या मॉन्टेसरी, वहां पर भी शायद इस तरह की सफाई और इस तरह की व्यवस्थाएं देखना मुश्किल है। क्यों? ये हमारा महाबोधि पुस्तकालय वाचनालय है, आप देख सकते हैं, और आर्यभट्ट भास्कराचार्य एपीजे अब्दुल कलाम कक्ष है, हमने इसका नामकरण किया ताकि बच्चे उन व्यक्तित्व को भी जान सके। जो भी नामकरण हमने किया है ये सब हमने बेस्ट पर्सनैलिटी जो हमारे कोर्स का है वहीं से मैंने लेने की कोशिश किया है। पब्लिक हमारी लाइब्रेरी बनाया है, जिससे इसका हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली नहीं जा सकते, वो बच्चे यहीं रह करके उनका पलायन रुक सके और पैसे के अभाव में नहीं जा पा रहे हैं, उनको मैं सारी फैसिलिटीज यहाँ दे रखा हूँ पब्लिक के रूप में, कि जो बच्चे यहाँ जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इलाहाबाद से लगाए सारी जगह हम जा सकें, तो अगर नहीं भी जाते हैं तो यहाँ हमने उनके इंजीनियरिंग से लगाए, मेडिकल से लगाए और सिविल सर्विसेज की तैयारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ प्रोवाइड कराया हुआ है, जिससे कि बच्चा कोटा, इलाहाबाद, प्रयागराज और दिल्ली जाने से उसका प्लान रुक सके और उसके लाइफ में किसी भी प्रकार से आर्थिक उसके लिए बाधा उत्पन्न न हो। मतलब कि यहाँ पर सभी जरूरत की जो चीजें हैं, यानी कि जो पाठ्यक्रम संबंधित सब कुछ है, मतलब कि इस विद्यालय के अलावा जो समाज के लिए जरूरी है, अन्य पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि जो वनडे एग्जाम है। और ये हमारा आप देख सकते हैं विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक, ये एक अलग इनोवेशन है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का और भी देश में या प्रदेश में है। ये सर बैंक हमने विद्यार्थियों का खुला हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चों में किस प्रकार से बेता और उसमें बचत की भावना डेवलप किया जा सके, किस से उसमें बैंकिंग की अवधारणा उत्पन्न करना है, व्यवहारिक कौशल का ज्ञान कराना है, और सबसे बड़ी चीज की जो बच्चे इसी में हमारे बच्चे मैनेजर होते हैं, कैशियर होते हैं, सब कुछ बच्चे होते हैं और ये बचत करते जैसे बैंकों में जाते हैं, जैसे बच्चे सामान्य जो आप जहाँ से लेन देन करते हैं, जो देने वाला बैंक है, यानी कि देखेंगे तो खजांची यहाँ पर हैं और यहाँ पर कार्यालय सहायक हैं, ये मैनेजर है, मुख्य प्रबंधक है, यानी कि सारी व्यवस्थाएं करने का, मतलब इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर किस प्रकार से बचत की भावना डेवलप किया जा सके और इससे बचत करके जब बच्चा वापस लेता है पैसा, तो हम उसमें अपना 25% अपने वेतन से जोड़ देते हैं, ताकि जब पैसा प्राप्त करता है तो उसे अपनी कॉपी, मोजा, जूता से लगा जो भी उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है और इन फ्यूचर इसका प्रयोग करके लाभ, हानि, ब्याज, सारा सब कुछ जान जाता है। इस बार दिखा देते हैं, देखिए ये हमारा स्टेज है, आप देख सकते हैं, कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो एक शानदार और खूबसूरत स्टेज है। यहाँ पर
सामान है, आपको सजाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आइए, सीधे कुर्सी टेबल रखिए। और पर्यावरण का जरूर ध्यान रखा है, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने के नाते साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, एक बेहतर नैतिकता किस प्रकार से डेवलप किया जाए, जब तक इसको हम नहीं करेंगे तब तक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। ये हमारा स्मार्ट क्लास है, जो प्रोजेक्टर रूम, और ये हमारा खेल बेस्ड यानी एक्टिविटीज बेस्ड हमारा क्लासरूम है। हमारा प्रोजेक्टर से लगाए सारी चीजें, हम स्वयं भी नीचे बैठते हैं और बच्चे भी नीचे बैठते हैं, और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो एक साथ एक्टिविटीज बेस पे हम लोग, ये खेल हमारा रूम भी है, आप देख सकते हैं। सर मतलब इसमें ये पूरा प्रयास किया गया, मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ जो सामान्य गतिविधियां हैं जो व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में, मतलब एक सम्मूल विकास में जो कुछ सहायक सिद्ध होते हैं। ये हमारे टॉयलेट बाथरूम है, हमारे किचन गार्डन है, देखिए अभी अरबी का पत्ता लगा हुआ है, इसके पहले और भी सारे बहुत अच्छे पौधे हुए थे, आप देख सकते हैं। और जब भी ये बच्चों को कभी कभी इस तरीके के टेस्ट कराते हैं, ये हमारे ये देखिए शौचालय है सिस्टमेटिक, हमने मतलब कि जैसे एक होटल में सफाई का, और हम कोशिश करते हैं पूरा ध्यान रखा जाए। और ये हमारे इंसिनेटर है इधर का, आप देखेंगे ये हमारा सारी चीजें यहाँ से हम डिस्प्ले किए हुए हैं। और ये हमारा दिव्यांग शौचालय है, इंसिनेटर है, आप इधर का देख सकते हैं, और ये बालकों के यूरिनल वगैरह आदि हैं। तो ये इस तरीके का बच्चे को कभी फीलिंग ना हो, उनको ये लगे कि हम किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और इस बात का एहसास हो जाए कि सरकारी तंत्र ही हमारे लिए सब कुछ है। तो सर का ये तो मतलब जो भी देख रहा है आश्चर्यचकित पड़ जा रहा है, तो आपको पुरस्कार मिल गया है, तो आपकी बात अब सरकार तक पहुंच चुकी है, अब कैसा लग रहा है, यहाँ बैठते हैं? ये अच्छा है, ये हमारा स्मार्ट कक्ष है, इसको भी एक मिनट के लिए एक बार दिखा देते हैं। और ये है, ये हमारा स्मार्ट क्लास है, हमारा कंप्यूटर लैब है, आप देख सकते हैं, और हमने इसको बनाने की कोशिश की। आज अवसर पे हमारे यहाँ विद्यालय को देखने के लिए मार्गदर्शन के रूप में हमारे बीच डॉक्टर लाल जी निर्मल साहब, जो MLC हैं इसमें वर्तमान में, और दूसरे हैं विश्वनाथ जी, जो इसमें अनुसूचित जात वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के आप जो है सर। विद्यालय देख के आपको पहली दफा देखा तो कैसा लगा? देखिए मैं पहली दफा गया, मैं सोशल मीडिया पे तो मैं इसको बहुत पहले देख चुका था जी, और मैंने देखते ही कहा था ये बहुत खूबसूरत विद्यालय है, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे जानकारी नहीं थी। और जब रामविलास भारती जी मुझसे मिले और इन्होंने तस्वीर दिखाई कहें, तो मैंने कहा भाई मैंने तो देखा है इसको, ये तो बड़ा खूबसूरत विद्यालय है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगा कि न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश में एक नज़ीर है विद्यालय, और इसको नज़ीर के रूप में पूरे शिक्षा जगत को देखना चाहिए। और रामविलास भारती को मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इनको राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया है, और इनको मेरी तमन्ना है कि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसके लिए मिलना चाहिए। तो ऐसे जो विद्यालय हैं, इनके जैसे शिक्षक हैं, समाज में क्या संदेश देते हैं? देखिए ऐसे विद्यालय और ऐसे अध्यापक समाज को एक संदेश देते हैं कि शिक्षक समाज का निर्माता तो होता ही है, वह परिवेश का भी निर्माता होता है, और शिक्षक यदि चाहें तो एक बहुत अच्छा परिवेश बन सकता है, और ख़ासकर से जो विद्यालयों की स्थिति है वह बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, और इससे पूरे शिक्षा जगत को एक बड़ा फायदा। सर आपको क्या लगा देख करके? देखिए हम भी बहुत नाम सुने थे विद्यालय का नाम इनका, और डॉक्टर साहब का जो भी इनका जो समर्पण है विद्यालय के प्रति, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जज्बा है हमारे करने का। तो उन्होंने एक इतिहास कायम किया है इस तरह का निर्माण करा करके, कन्वेंट से कहीं बेहतर रंग इसका स्वरूप देने का प्रयास किया है, और सामने दिख रहा है। और मेरी भी इच्छा थी, मैं पहली बार मैं भी आया हूँ, क्योंकि यहाँ इसीलिए मैं आया हुआ हूँ, तो मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला आज जो है, बड़ा अच्छा लगा। और मेरी शुभकामना है कि इनको फिर राज्य स्तर का जो पुरस्कार मिला है तो उनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है तो और भी बढ़िया रहेगा, और इनका भी हौसला बढ़ेगा तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से और भी लोग इससे प्रेरणा लें, और भी अन्य विद्यालयों में जो भी टीचर्स हमारे अध्यापक बंधु लोग हैं
वो जो इसी तरह का नजीर पेश करें, इसी तरह से उसमें परिवर्तन लाए, तो ये वातावरण, शिक्षा का वातावरण बहुत अच्छा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे शिक्षक और ऐसे विद्यालय से प्रेरणा लेना ही चाहिए। हम बाहर आते हैं और बाहर दिखा करके आपको पूरा एक पहले आप बाहर का परिवेश देखिए। बाहर का जैसे परिवेश देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये विद्यालय कैसा है। और विद्यालय में आज तमाम लोगों की उपस्थिति की वजह बन रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन होना। तो मैं पहले ही बताया कि बगल में इस समय घोसी में उपचुनाव चल रहा है, घोसी का ही विद्यालय है और घोसी में इस तरह का विद्यालय है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सबकी नज़रें यहाँ पर भी टिकेंगी, जो घोसी में आएगा एक बार चाहेगा कि धरौली उच्च प्राथमिक विद्यालय पर आ जाएं। पूरी तरीके से आप सोशल मीडिया के चर्चे में रहते हैं, पूरा आपने बच्चों को सिखाने के साथ साथ पढ़ाने के साथ ही पूरे एक समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी अनुभूति होती है खुद को? देखिए, पहले तो ये स्वयं की अनुभूति जब तक नहीं होगी, जब तक स्वयं की संवेदना किसी के अंदर नहीं हो सकती, तब तक वो बेहतर काम नहीं कर सकता। इसलिए ये अनुभूति इस बात की है कि अच्छा लग रहा है कि जब कोई व्यक्ति, जब जैसे आप तारीफ के रूप में आए, तो जब व्यक्ति कोई तारीफ करता है किसी भी चीज के प्रति, तो उससे ऊर्जा बढ़ जाती है, उससे ऊर्जा बढ़ जाती है और मुझे लगता है काम करने की जो क्षमता है और भी बढ़ जाती है। तो प्रोत्साहन निश्चित रूप से अच्छे कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो कार्य करने में उसकी क्षमता बढ़ जाए। अभी 5 सितंबर आने वाला है और मैं आपके माध्यम से मैं उन सभी शिक्षकों, साथियों को, अभिभावकों को और जो तमाम के समाज के तमाम लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। यश राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन आने वाला है 5 सितंबर को और इसके आधार पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। सावित्री बाई फूले और जो दंपति जो रहे हैं, फूले दंपति, वो दोनों ने एक ऐसा, जो पहली बार अगर देखा जाए तो ज्योतिबा और फूले ने हंटर कमीशन के सामने निःशुल्क एजुकेशन की बात की थी। तो उन्होंने पत्नी को पढ़ा करके पहली एक शिक्षिका के रूप में स्टेब्लिश किया। तो इस शिक्षक दिवस पे उन सभी तमाम महापुरुषों को याद करते हुए कि यही हमें प्रेरणा देते हैं और यही काम करने की क्षमता भी, जिससे कि समाज के लिए काम किया जा सके। तो काम, समाज को जब तक आप नहीं मानेंगे, देश की संपत्ति को अपना संपत्ति मान करके सरकारी तंत्रों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने हिस्से की वो सारे कार्य करने चाहिए, जिससे एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति का समाज में योगदान होता है और जो शिक्षक है उसका विशेष योगदान होता है। यूं ही शिक्षकों को समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब रामविलास भारती जैसे शिक्षक समाज में काम करते हैं तो ये खुद तो सम्मान के हकदार हैं ही, ये पूरे शिक्षक के सम्मान के लिए एक प्रेरणा भी सिद्ध होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको सम्मान मिला है और ये जो विद्यालय है, ये जो पूरा विद्यालय परिवार है, केवल विद्यालय ही नहीं और केवल रामविलास भारती ही नहीं, जो पूरा विद्यालय परिवार है पूरे समाज को एक संदेश दे रहा है कि बगैर शिक्षा में सुधार के समाज का सुधार नहीं किया जा सकता है और उसके सुधार के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और विशेष करके एक शिक्षक को आगे आना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं और रामविलास भारती के इस पूरे प्रयास और पूरे कार्य को देख करके आपको कैसी अनुभूति हुई है जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।